हम स्वाति अपना पंचन का विराट के बघेली समाचार में स्वागत करी थे। मंगलवार के दिन बहुत सारे लोगन का आशा और न्याय के दिन होत है, ऐसा ऐसे कहा जात है कि यह दिन कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई होती। यह सुनवाई में राजस्व और पुलिस के मामला ज्यादा होत है और कुछ जमीन वाले मामला होते। इन बीच में मंगलवार का खूब भीड़ देखी गए। रीवा के कलेक्ट्रेट में अपना पंचे सुनी का कहा थे इहन आबे वाले फरियादी। हमको गुस्सा भी है कि हमारा खेत रामलखन प्रभाकर जबरदस्ती खेत काटने लगे। बोले मैं सुहागी के थाने में आन, हमको थाने से चौकी भेजी, चौकी वाले कहा कि तुम्हारी खेती न काटे भाई, न जो हम करो। आज तक परिखन साहेब हमारी खेती सब कटी गई, अब वो हम जोतने बोबेगा कि होकर हर जल जाए साहेब, तो हर जल जी हमारा कब्जा सब खत्म साहेब। हमको मारने का जान से कि इसकी बुढ़ी के जो खत्म हो जाए, खत्म कर देंगे तो लड़कियाँ काहे हो रही है भाग दे ऐसे साहेब, हमारा लूट ले साहेब, ये अतर सुइया से साहेब सर साहेब साहेब उनकर सब लिखित सब फैसला सब यहाँ ले आके दियल तहसीलदार तहसीलदार के सबके थाने के लुका इसी वक्त के वो गाड़ी चलावा तक प्रभा हमको अब काली मेटम तेवतर के मेटम चौकी वाली डांट दी का तुम्हारा कुछ नहीं उसको पैसा दे। हम पैसा साहेब अपने जजाद के पैसा दे साहेब, ये मेरे का पिया चार मलपा नाम नहीं जानी था। रीवा कितनी बार आ चुके हैं तेवतर पे साहेब? रीवा कितनी बार आई है? हम 10:30 बजे आई गए नहीं साहेब। और कितनी बार आई है? कितनी बार आ चुके? अब पहले जब आवत जा रहा भूल गया तो वह महीने हो गए आवा पहला चक्कर साहेब आन है बते उतर चौकी में तो उधर कोई नहीं हो रही कोई हमार दुआ सा नाम है साहेब अल्लाह करके बड़े लड़का के जगदीश पर सा राम लखन प्रभात शुक्ला ये लोग कौन है आपके शुक्ला 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 मैं केवा ठन साहेब केवा गरीबन के निकारी है मलपार बसा है जबरदस्त। ये कहना था कि हमारे हमारा स्वयं का खेत है छत्तों का, उसमें फसल लगी हुई थी, फसल किसी ने काट ली है। उसके संबंध में अभी तत्काल तहसीलदार तेवतर को मैंने बोला है कि वो अभी आज वो पहुंच जाएगी, कल सुबह मॉर्निंग में पहले 10:30 बजे ही जाकर उसकी ज़मीन का उसके प्लॉट का निरीक्षण करेंगे और जो भी विसंगत कार्रवाई है वो वहाँ भी करेंगे। रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा मोहल्ला में बीती रात पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार के घर में शॉर्ट सर्किट भा जोने में 3 मंजिला के घर में आगी लग गए। मौका में सिटी कोतवाली पुलिस और सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा पहुंचे और फायर ब्रिगेड और लोगन के मदद से आगी का बुझावा गा है। अपना पंचन का बताए दे कि यह आगी के कारण शॉर्ट सर्किट का बतावा जात है। हट जाओ सब लोग, हट जाओ ये
भैया बड़े होंगे कपड़े तो है भैया ये वार्ड क्रमांक 29 कटरा पालनटोला पूर्व महापौर आदरणीय श्री राजेंद्र ताम्रकार जी के घर में आग लग गई। ये आग के इसका कारण अभी तो नहीं पता है लेकिन पुलिस मौजूद है, आग के कारणों का पता लगाएगी लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन धन हानि हुई है। घर में आग लगी हुई है, पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर उनका ख़राब हो गया है और ये करीब कई वर्षों से परेशान है। पूर्व महापौर जी के यहाँ कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, एक साल में 4-4 मौतें आपके घर में हो गई, पता नहीं क्या कारण है कि आए कुछ कह नहीं सकते हैं। अब नुकसान का आकलन तो देखिए बाद में हो पाएगा क्योंकि अभी आग लगी हुई है, बराबर नगर निगम का अमला लगा हुआ है। वर्तमान महापौर जी अजय मिश्रा बाबा जी से जैसे हमको पता चला संपर्क किया गया, आप ताम्रकार जी ने हमको फ़ोन किया तो हमने तत्काल महापौर जी संपर्क किया, उन्होंने फायर ब्रिगेड भेजा और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं, नज़र भी बनाए हुए हैं। हाँ आपके काबू पा गया है, पा लिया गया है लेकिन थोड़ा बहुत आग अभी अलमारी की आग नहीं बुझ रही है, अलमारी के में आग बराबर लगी हुई है लेकिन प्रयास जारी है। दो कमरों में, एक ऊपर और एक नीचे, दो कमरों में आग लगी हुई है, नीचे पूरा सेफ है लेकिन कुछ धन हानि तो हुई है, ज़रूर हुई है। किसका? मैं राम प्रकाश तिवारी डैडू, पूर्व पार्षद नगर पालिक निगम रीवा। सूचना प्राप्त हुई थी कि राजेंद्र ताम्रकार जी के घर में आग लग गई है, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और फायर ब्रिगेड के साथ सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। देखा गया कि प्रथम और द्वितीय तल में भीषण आग लगी हुई थी, तत्काल फायर ब्रिगेड के दमकल के जो कर्मचारी हैं और जो मोहल्ले के लोग हैं उनकी सहायता से तत्काल आग में बुझाने का काम शुरू हुआ। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक जो कारण ज्ञात हुआ है उसमें प्रतीत हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट से निश्चित तौर पर आग लगी होगी, कोई जनहानि नहीं है, सामान का नुकसान हुआ है, अभी भी कार्य जारी है। संजय गांधी अस्पताल में देर रात मरीज के परिजन खूब हंगामा करी, हंगामा के कारण यह बतावा जाता है कि समय में इलाज न होए के कारण मरीज के मौत हो गई। बतावा जाता है यह मरीज शाहपुर के रहने वाला है और रात के एक हर तबीयत खराब है जेखा इलाज के खातिर यहाँ लावा गया रहा है। परिजन कहें कि एक घंटा तक स्ट्रेचर में पहुड़ाए रहे और इलाज नहीं शुरू भा और मरीज के मौत हो गए। परिजन पोस्टमार्टम करावे से इनकार करी नहीं। अपना पंचे देखिए घटना का लेके परिजन का कहा थे। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो बड़े साहब आए थाने नहीं गए शिकायत करने, अभी कहाँ गए सर, यहाँ से छोड़े तब न थाने जाए। क्या पुलिस थाने में शिकायत करोगे आप? बिल्कुल करेंगे सर, हम पुलिस थाने में अभी हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे सर, लाश को लेके हम वहाँ जाएंगे, हाँ वहाँ शिकायत दर्ज करेंगे। कलेक्टर साहब के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर। मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं आप? मीडियम के माध्यम से यही चाहते हैं सर कि हमारे पेशेंट का न्याय हो और जो भी पेशेंट आए यहाँ उनका सही से ट्रीटमेंट हो। मैं तो हालात हुआ दूसरा ना हो हुआ। आप अपने पिता तुल्य मानते थे? वो पिता नहीं, हमारा पूरा संसार था सर। क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम राजेश त्रिपाठी है। कहाँ से हैं आप? सिमरिया हनमना ब्लॉक शाहपुर थाना अंतर्गत आता है। मृतक का क्या नाम है? मृतक अरे भैया आपका क्या नाम है? राजेश त्रिपाठी। ये कब की घटना है? ये कब की घटना है? ये घटना तो का सुबह 10 बजे की है। अभी तक कोई मतलब अधिकारियों को आप सूचना नहीं दी है? कुछ नहीं। रीवा जिला में लूटपाट चोरी की घटना कम होए के नाम नहीं लेती ला गया। ऐसे एक थे घटना पुनघटित भई ही विश्वविद्यालय और समान थाना क्षेत्र में। अपने पंचन को बताया दी कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में नीलम मांझी कॉम्प्लेक्स के पास अनंतपुर में रहती है, जो घर के बाहर टहलत रही ही तब यह घटना भई ही। और दूसरी घटना समान थाना क्षेत्र में भई ही, जहां शिक्षिका तनुजा खरे के साथ चंद्रा मंगल मैरिज हॉल के पास बाइक सवार युवक दोनों महिलन के गले से चैन खींच के फरार हुई है। महिला कुछ समझ पाती एक पहले बदमाश घटना का अंजाम दे के भाग निकले रहे हैं। जिला और संभाग के कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखे खातिर पुलिस प्रशासन इस साल अपेक्षाकृत
अधिक सख्त कदम उठाए ही। अपना पंजीयन का बता दें कि जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक रीवा जोन के पुलिस 62,000 से अधिक अपराधी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की ही सी। आई सुनी थे संभाग के पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखे खातिर कौन मेयर के कार्यवाही कीन जात लागी और आगे की का योजना ही। रीवा संभाग में जो रीवा सीधी सिंगरौली सतना है, इसमें अगर देखेंगे तो हम कंपैरेटिवली अभी तक जो है 22,000 क्राइम जो था लास्ट ईयर, अभी कट के अभी 21,000 हो गया, कम से कम 1,000 क्राइम कम हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग नशा अभियान लगातार काफ़ी अग्रेसिवली कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग कुछ 5 क्विंटल गांजा और 26,000 कोरेक्स का बॉटल्स पकड़े हैं। उसमें कुछ 300 लोगों को हमने जेल भेजा है। इस तरह अवैध शराब का भी कुछ 300 लोगों को हमने आरोपियों को जेल भेजा और 60,00,000 का जो अवैध शराब हमने में पकड़ा है। और मोटर व्हीकल एक्ट में भी हम लोगों ने करीब 99,000 लोगों को हमने इसमें कार्रवाई किया। हेलमेट अभियान हमारा काफ़ी अभी भी चल रहा है, सक्सेसफुल है। और जो बड़े बड़े जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, गुंडे, उनके जो है खिलाफ हम लोग NSA करते हैं। उसमें भी हम 30 लोगों का भी पूरे साल में संभाग में 30 लोगों को हमने जेल भेजा है। तो इस तरह की काफ़ी कार्रवाई हम करते रहे। अभी सार्वजनिक स्थान में भी जो अवैध शराब पीते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किया है। और सार्वजनिक स्थानों में अवैध नशा जो करते हैं उनके खिलाफ भी कुछ 5,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है। तो इसके अलावा कई जागरूकता कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बस्तियों में जाके बच्चों को, नए लड़कों को नशा से मुक्त करने के लिए भरसक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी इस रीवा में सबसे ज्यादा हुआ है। आज खातिर इतने। बघेली मां बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।